आपके पाठ्यक्रम में जिस एक हिस्से पर बातचीत करना हमारा अभी भी शेष था, उस खंड पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, यानी कि नैतिकता के विकास में विभिन्न दार्शनिक विचारक और चिंतकों का योगदान। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये कैसा खंड है जिसमें भारत एवं विश्व के नैतिक और दार्शनिक विचारकों का योगदान, ये टॉपिक है पाठ्यक्रम का। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें भारत के जितने बड़े दार्शनिक और विचारक हुए हैं तथा विश्व भर के जितने बड़े दार्शनिक और विचारक हुए हैं उनमें से किसी का भी योगदान आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि प्रश्न कैसा पूछा गया है। तो इसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया होता है जो किसी विचारक के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, महात्मा गांधी का जैसा कोई विचार, उसी पर आधारित कोई स्टेटमेंट होगा और सामान्यतः आप पढ़ते मान ही समझ जाएंगे कि ये किसके विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिर उसके आलोक में आप एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स या प्रशासन में कैसे आपको उसका लाभ मिलेगा, प्रशासनिक समस्याओं का आप किस प्रकार दृष्टिकोण निर्धारित करेंगे, इसकी व्याख्या करनी होती है। तो पाठ्यक्रम का जो ये खंड है यह वास्तव में बहुत व्यापक है, बहुत सारे दार्शनिक हैं इसमें। तो ये तो तय है कि हम कम से कम लेक्चर के थ्रू सारे दार्शनिकों पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, परंतु आप इसको देखें जैसे ही कि हमें किस प्रकार से उनका उपयोग करना है, किस प्रकार उनके महत्वपूर्ण विचारों को बस समझ लेना है और उसका उपयोग करना है। तो इस खंड पर यह नहीं कि हम बहुत अधिक ऊर्जा व्यय करें अपनी, जितनी जो आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम जानेंगे। जहां तक भारतीय दर्शन की बात है तो भारत की दार्शनिक परंपरा में दो प्रकार का दार्शनिक संप्रदाय है, एक आस्तिक दर्शन है और एक नास्तिक दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का अर्थ मैं उन्हें बता दूं, अगर आप लोगों का दर्शन शास्त्र की कभी पृष्ठभूमि नहीं है तो मैं बताऊं कि आस्तिक दर्शन भारत में वो हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं, जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं यानी कि वेद अपौरुषेय हैं, ब्रह्मा द्वारा रचित किए गए हैं, तो जो वेद की सत्ता में उसकी प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। जबकि वो दर्शन जो वेद की आस्तिकता और प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। जो हमारी आस्तिक दर्शन परंपरा है उसमें भी षट दर्शन परंपरा है। षट दर्शन में भी जैसे सांख्य हो गया, न्याय हो गया, योग हो गया, मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया, ये दर्शन भी उसमें शामिल है और एक दर्शन चार्वाक भी शामिल है। तो नास्तिक दर्शनों में बौद्ध और जैन दर्शन है जिन्हें कि हम नास्तिक दर्शनों की कोटि में रखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दर्शन संप्रदाय हैं और इनसे जुड़े हुए दार्शनिक हैं, खासकर शंकर का अद्वैत वेदांत और वेदांत दर्शन में महत्वपूर्ण है भारतीय दर्शन परंपरा में। शंकराचार्य जी, उनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़ा दर्शन है शंकर का दर्शन, सभी भारतीय दर्शनों को समन्वित रूप प्रदान करते हैं। जबकि यदि हम पाश्चात्य दर्शनिक प्रणाली में, पाश्चात्य दर्शन परंपरा में अगर हम चलते हैं तो पाश्चात्य दर्शन में कई दार्शनिक प्राप्त होते हैं, वहां पर प्लेटो और अरस्तु का बड़ा योगदान है। नीति शास्त्र में यानी कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में भी नीति शास्त्र है और वहां पर सुकरात जैसे दार्शनिकों का भी, जो कि प्लेटो के गुरु थे, सुक्रेटिस या सुकरात जिन्हें कहते हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सोफिस्ट थे और भी लोग थे जो सुकरात से भी पूर्व थे। तो हम सब बहुत विस्तृत इस पर है, लेकिन प्लेटो और अरस्तु ये दो महत्वपूर्ण विचारक हैं और ऐसा कहते हैं समूची जो पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा है वो प्लेटो और अरस्तु पर लिखा गया फुट नोट्स है या पाद टिप्पणियां है, यानी कि उनके बाद प्रतिवाद से ही विकसित हुआ है प्लेटो और अरस्तु के बीच में। तो हम इसे समझेंगे।
इसके अलावा एक उपयोगितावादी धारा है, सुखवादी धारा, हेडोनिज्म उसको कहते हैं, सुखवाद। तो वह दर्शन जैसे चार्वाक का भी एक प्रकार का भारतीय सुखवादी परंपरा है। पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में सुखवाद के कई प्रकार किए गए हैं, उत्कृष्ट सुखवाद, निकृष्ट सुखवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, इस प्रकार से उनके अंतर किए गए। हमने एक वीडियो में आपसे इसकी चर्चा भी की थी, उसको आपने देखा होगा कि परार्थमूलक सुखवाद, स्वार्थमूलक सुखवाद, उत्कृष्ट सुखवाद, निकृष्ट सुखवाद, इस पर भी हमने चर्चा की थी। थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में भी उस पर बातचीत करेंगे। तो ये परंपराएं हैं। कांट का दर्शन पाश्चात्य परंपरा में बेहद महत्वपूर्ण है। कांट का नैतिकता, कांट की नैतिकता संबंधी अवधारणाएं, इस पर भी हमने कांट पर भी बात की थी किसी एक वीडियो में, और वहां तो कांट का दर्शन बड़ा दर्शन है, इस पर हमने आपसे चर्चा भी की थी, और भी आप पढ़ेंगे इस पर, हम नोट्स के माध्यम से आप इस पर देखेंगे और भी हम जानकारी लेंगे। तो चलते हैं भारतीय दार्शनिक परंपरा में। भारत में जो नैतिकता के अधिकांश मूल्य हैं, हमने वैदिक जो ऋचाएं हैं, जो प्राचीन वैदिक ऋषियों का चिंतन है, उससे भी हमने बहुत कुछ ग्रहण किया हुआ है। आज भी हमारी परंपरा में, हमारी विचार परंपरा में उसका अहम योगदान है। सत्यमेव जयते वेदों से ही लिया गया है, उसी विचार परंपरा में उपनिषदों से ग्रहण किया गया है, उसी व्याख्या में। तो वैदिक दर्शन में रित का महत्व है। रित क्या है? ये वही नैतिकता, मूल्यों, मानदंडों की प्रणाली है। ब्रह्मांड को संचालित करने वाली व्यवस्था के रूप में रित को प्रतिपादित किया गया। ऐसा कहा गया है कि प्राचीन जो आर्य थे, प्राचीन जो मनीषी थे, वैदिक ऋचाओं के जो रचयिता थे, वो रित की उपासना करते थे। कहते हैं ना कि वैदिक दर्शन में महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। किस चीज की उपासना करते थे? उस ब्रह्मांडी व्यवस्था की उपासना करते थे, जिससे कि सारे ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, इस सृष्टि का हरेक वस्तु, पूरी जो चेतना है जिससे संचालित हो रही है, वही रित कही जाती थी। तो रित की अवधारणा है। तो जब हम एक ऐसी सर्वव्यापक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, तो फिर हम किसी संकीर्ण दायरे में, राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, या किसी और संकीर्ण ऐसी दायरा जो मानव को मानव से बांटती, हम विश्वास ही नहीं कर सकते। तो भारतीय जो विचार परंपरा है, इसमें संकीर्णता के लिए कहीं स्थान नहीं है, क्योंकि हमने वैदिक ऋचाओं से ही ग्रहण किया है। इस अर्थ में रित का अर्थ, जहां ब्रह्मांड को संचालित करने वाली व्यवस्था है, वही एक नैतिक नियम भी है। यह व्यक्तिगत जीवन में धर्म भी, आदमी कहता है ये मेरा धर्म है, मैं इससे कैसे अलग हट जाऊं। आप तमाम पौराणिक कथाओं, कथनों, विथकों, श्रुतियों, किंवदंतियों में धर्म का जो आता है, डायलेमा की जो बात आती है, धर्म के संकट की जो बात आती है, वह वास्तव में रित की ही अवधारणा है। एक ही सत्य है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। हमारी जो विचार परंपरा के जो मूल्य निर्मित हुए, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही सत्य है, विद्वान लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। इसका अर्थ है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दीजिए, सबकी अभिव्यक्तियों को सुनिए। पाश्चात्य दर्शन में जॉन स्टुअर्ट मिल, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक है, कुछ वैसा ही विचार हमारे वैदिक ऋचाओं में व्यक्त हो चुका है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है, हर जगह व्याप्त है। तो जब एक ही तत्व है, एक ही चेतना है, एक ही शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, तो फिर अंतर कहाँ है? किस में अंतर है? कौन दूसरा है? कौन पराया है? सभी तो अपने ही हैं। तो ये हम वैदिक दर्शन से, वैदिक ऋचाओं से सीखते हैं। इसके अलावा जिस सुखवाद की मैं बात कर रहा था पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में, भारतीय दर्शन में भी एक भौतिकवादी दर्शन है। अगर आप दर्शन शास्त्र देखेंगे तो उसकी जो तत्व मीमांसा होती, तीन चीजें हम पढ़ते हैं, फिलॉसफी अगर किसी की पढ़ते हैं तो तीन चीजें पढ़ते हैं, जो कि एथिक्स पढ़ने वालों के लिए, आप लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है, यद्यपि बहुत सी जगहों पर पढ़ाया जाता है जब आप का समय जो है देखते हुए।
तो बताया जा सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उतना उपयोग नहीं है। फिर भी मैं बताऊं कि तत्व तो मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र की शाखाएं हैं। तत्व तो मीमांसा में हम विचार करते हैं कि वास्तव में यह इस प्रकृति का जो मूल तत्व तो था किससे बनी, वह भौतिक तत्व तो से बनी अथवा वह किसी चेतन तत्व तो से बनी। और इस आधार पर पूरी दार्शनिक परंपरा का दो भागों में विभाजन हो जाता है। तो कुछ दर्शन भौतिकवादी दर्शन कहलाते हैं, जबकि वहीं दूसरे दर्शन जो है चेतनवादी दर्शन, विज्ञानवादी दर्शन, इस प्रकार की चीजें हैं जो ये मानते हैं कि पहले कोई चेतन सत्ता थी। सृष्टि के निर्माण की अंतिम सत्ता भी चेतन रही होगी, चेतन से ही चेतन का निर्माण हो सकता है, चेतन से चेतन का निर्माण नहीं हो सकता अगर सृष्टि में चेतन। तो एक परंपरा, एक विचार परंपरा इस प्रकार की है, जबकि दूसरी विचार परंपरा मानती कि सबसे पहले कोई अचेतन तत्व रही होगी, कोई भौतिक तत्व रहा, कोई जड़ तत्व रहा होगा, उससे सब कुछ विकास हुआ है। तो चार्वाक दर्शन भी एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि पहले भौतिक तत्व रहा होगा। पांच तत्व जो की जो संकल्पना है भारतीय दर्शन में, पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि, वायु, इनकी जो अवधारणा है, इनमें से चार तत्वों को ही केवल चार्वाक दर्शन मानता है। और मानता है पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के सम्मिश्रण से जीवन उत्पन्न हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कि कत्था, चूना और पान के संयोग से लालिमा उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही जीवन में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के संयोग से जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा है। इस दर्शन का मानना है कि चार जो पुरुषार्थ हैं उसमें से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष को नहीं स्वीकार करता, काम और अर्थ को ही केवल स्वीकार करता है जीवन में, चार्वाक दर्शन की अवधारणा है। वास्तव में यह दर्शन बाह्य तौर पर देखने में बहुत ही अनैतिक प्रतीत तो होता है। यावत आप समय परिचय करा रहा हूं, आप परिचित हैं इस दर्शन में, भारतीय विचार प्रणाली में, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण लेकर के भी घी पियो। इसी जीवन में सब कुछ है, उस जीवन में कुछ है ही नहीं, मोक्ष की आवश्यकता क्या है? जो आपसे जितने वादे किए जाते हैं परलौकिक जगत के लिए, वो सब है ही नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, एक बार जब देह भस्मीभूत हो गई तो दोबारा उसका पुनरागमन हो ही नहीं सकता, पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो इसलिए जो भी करना है इस जीवन के लिए ही करो, इसी जीवन में भोग करो, इसी जीवन में आनंद प्राप्त करो, इस जीवन के पार कुछ है ही नहीं। तो इसका परिणाम ये होगा कि आप गलत और सही, नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित कुछ भी आप करना चाहेंगे, बाह्य तौर पर यह दर्शन ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन इसकी भी अपनी उपयोगिता है दर्शन की। आपको बताना चाहता है कि आप किसी प्रकार के अंधविश्वास, किसी प्रकार के पाखंड, किसी प्रकार की अनीति में ना जाएं। आप वही करें जो अनुभव पर, जो आपके अनुभव में आने वाली चीजें हैं उन पर ही आप कार्य करें, उसी के आधार पर कार्य करें। आप इस जीवन को ही अपनी नियति, अपनी कर्म भूमि मान करके चलें, दुख और सुख, पाप और पुण्य सब यही निर्धारित हो जाएगा, आपको फल भी यही मिल जाएगा। तो ये भी एक उपयोग अच्छी बात है कि जब आप जैसे ही इस विचार से प्रेरित होंगे तो आप करेंगे, वरना कुछ अकाउंट अगले जन्म का भी आप खोल के रखेंगे। हो सकता है कि करो यहाँ पे अभी पाप कर लो, अगले जन्म में पुण्य कर लेंगे, है ऐसी मानसिकता लोगों में। तो ये चार्वाक दर्शन परंपरा है, तो कुछ आप इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे मैं कोरिलेट आपको कर रहा हूं। बौद्ध दर्शन पर हमारी बात हो चुकी है, जैन धर्म पर हमने एक वीडियो में आपको बता रखा है, वहां से आप चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। बौद्ध धर्म की जो मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग है, अतियों से बचने की जो बुद्ध की जो है, बुद्ध निरंजना नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे घनघोर बिना खाए पिए। एक स्त्री ने उसे कहा कि आप जो है तात जो है वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वीणा के तार ही टूट जाएं। तो वहीं से बुद्ध ने अपने जीवन में यह ग्रहण किया कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, घोर संन्यास की, घनघोर तप की आवश्यकता नहीं है। आप जो संभव हो मध्यम मार्ग में रहते हुए ही जीवन का पालन करें, वहां से नैतिकता का विकास हुआ। कुछ ऐसा स्टेटमेंट इन विचारों पर हो तो आप बता सकते हैं। जैन धर्म का श्यादवाद, श्यादवाद यानी सापेक्षता का सिद्धांत,
कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। आप किसी एक चीज को ये नहीं कह सकते कि अंतिम सत्य यही है, क्योंकि सत्य के विविध पक्ष हैं, बहुल पक्ष हैं, अनेकांतवाद है, अनेकों पक्ष हैं। तो आप एक समय में एक स्थान में एक ही पक्ष को जान सकते हैं। स्यात है, सप्तभंगी ने सिद्धांत है उनका, स्यात है, स्यात नहीं है, स्यात है भी और नहीं भी है, इस प्रकार के उन्होंने सात न्याय व्यक्त किए हैं। तो जोड़ करके तो बुद्ध के दर्शन में, महावीर के दर्शन में, जैन धर्म के श्यादवाद में, वहां से भी नैतिकता का विकास हुआ। आप नोट्स में पढ़ेंगे, पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में प्लेटो का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटो कहता है कि ये पूरा संसार जो है प्रत्यय जगत की अनुकृति है, प्रतिलिपि है, दो लोगों की बात करता है कि वास्तविक दुनिया प्रत्ययों की है, कुछ इटर्नल चीजें हैं, विचार यानी आइडिया यानी कि प्रत्यय, ये वास्तव में है। और संसार में जो चीजें हम देखते हैं वो सिर्फ प्रत्ययों की नकल मात्र है। ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में अगर जब विचार वही चीजें अस्तित्व में है जो विचार जिनकी जिनका की कोई ना कोई विचार अवश्य है, तो उन आइडियाज उन प्रत्ययों की ही वास्तव में परिणति वस्तुओं के रूप में होती हैं। और अगर कोई वस्तु देख रहे हैं आप, कोई चीज देख रहे हैं, कोई प्राणी देख रहे हैं, तो उसके पीछे का विचार महत्वपूर्ण है। और धीरे 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 एक सबसे बड़ा प्रत्यय शुभ का प्रत्यय है। प्रत्ययों की उसने हायरार्की निर्धारित की। पूर्णता वही है जब हम शुभ का प्रत्यय प्राप्त कर लेते हैं। जीवन का लक्ष्य होता है कि हम शुभ के प्रत्यय को, अल्टीमेट जो आइडिया है उसको प्राप्त कर लें। यही प्लेटो की दार्शनिक प्रणाली का मूल आधार है। तो प्लेटो के चिंतन में माना गया कि आत्मा के तीन पक्ष हैं। आत्मा में बुद्धि होती है, इंटेलेक्ट होती है, भावना होती है, पैशन होती है, वासना होती है, डिजायर होती है। तो उसने कहा कि व्यक्ति के जीवन में तीन पक्ष हैं, बुद्धि, भावना और वासना, तीन पक्ष हैं। हर आदमी के जीवन में, हर आदमी के मन के व्यक्तित्व में तीन पहलू हैं। अगर आप अपने साथ न्याय करना चाहते हैं तो बुद्धि के मार्गदर्शन में यदि वासना और इच्छा को, भावना और वासना को यदि बुद्धि का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो फिर निश्चय ही उसके साथ न्याय हो जाएगा। इसीलिए उसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। एक राज्य में तीन प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों में वासना प्रधान होती है, कुछ लोगों में तृष्णा प्रधान होती है, कुछ लोगों में भावना प्रधान होती है, कुछ लोगों में बुद्धि की काकी प्रधानता होती है। जिन लोगों में तृष्णा प्रधान होती है उन लोगों को व्यापार वगैरह वो सब करते हैं, जिनमें भावना प्रधान होती है वो सैनिक या इस तरह के उसमें लग जाते हैं, और जो बुद्धि जिनमें प्रधान होती है वो दार्शनिक लोग होते हैं। तो प्लेटो कहता है कि जो व्यापारी वर्ग होता है जिस दो तृष्णा प्रधान होता है, जो भावना प्रधान लोग होते हैं, बुद्धिजीवी वगैरह, गणितज्ञ, इस तरह के लोग, उनको बुद्धि से गाइडेंस मिलना चाहिए। इसीलिए कहता है कि राज्य का शासक जो होना चाहिए वह कोई दार्शनिक होना चाहिए। राज्य पर उन्हीं को शासन करना चाहिए जो वास्तव में शासन करने के लिए अनिच्छुक होते हैं। हम लोग भी मानते हैं भारतीय परंपरा में कि जिसका शादी विवाह नहीं हुआ बहुत अच्छा शासक हो सकता, कहते हैं इनके है कौन, वो किस लिए ये कमाना चाहेंगे, तो ऐसा कुछ आप लोग कहते हैं। तो ये प्लेटो का है, प्लेटो का कथन है। कभी कभी कथन से ही आपसे पूछा जाता है उस विचार परंपरा को। यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुराई बन जाता है। दूसरा विचारक जो है पाश्चात्य परंपरा में अरस्तु, उसने कहा है कि नीति शास्त्र का संबंध ऐच्छिक क्रियाओं से है। अरस्तु की रचना है निकोमेकियन एथिक्स, उसमें उसने आनंद की प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य बताया है। तो जबकि प्लेटो के यहां शुभ के प्रत्यय को महत्वपूर्ण माना गया, प्लेटो के दर्शन में शुभ जो परम शुभ है, जो सबसे प्रमुख आइडिया, प्रधान आइडिया है अंतिम रूप से, उसे प्राप्ति जीवन में लक्ष्य बताया गया प्लेटो के दर्शन में, जबकि अरस्तु के दर्शन में आनंद की प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है। इससे पहले प्लेटो के गुरु सुकरात कहा करते थे कि सद्गुण ही न्याय है, अगर जीवन में सद्गुण उपलब्ध हो गए तो उसका मतलब न्याय हो जाएगा। जब हम प्लेटो के पास पहुंचे तो प्लेटो ने कहा नहीं, न्याय जीवन के तीन पक्ष जो है, तृष्णा, भावना और बुद्धि, उनमें से बुद्धि का मार्गदर्शन बाकी दोनों को प्राप्त होना ही न्याय है। और अरस्तु के पास जब पहुंचते हैं तो न्याय को दो भागों में बांटता है, एक आत्मा के न्याय के रूप में और दूसरा वास्तविक न्याय के रूप में, उनके भी दो हिस्से करता है, प्रतिवर्ती न्याय और वितरणात्मक न्याय। प्रतिवर्ती न्याय का संबंध
व्यक्ति के लिए वह कहता है कि इसमें गणित के नियम का पालन नहीं हो सकता है। ये धन प्रतिवर्ती न्याय का संबंध जो है इसमें गणित के नियम का पालन होना चाहिए। इसके लिए वो कहता है जैसे किसी ने अगर किसी को चोरी की है तो उसके लिए दंड भी उसी प्रकार का मिलना चाहिए किसी वस्तु की उठा लिया है। जबकि वितरण मूलक न्याय में कहता है इसमें गणित के नियम का पालन नहीं हो सकता, जो कुछ योग्य होगा तो उसे कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम योग्य है उसे कुछ कम मिलना चाहिए। तो इस प्रकार उसने न्याय के बारे में बातें कही है। तो दार्शनिकों और विचारकों के बारे में आप इस प्रकार से पढ़ें और आप तक नोट्स भी पहुंचेगा, दार्शनिक बहुत सारे हैं, आप पढ़िए, जहां आपको असुविधा होगी वहां पर हम बात करेंगे और भी। तो अंततः आपके पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, आप उतना तैयार करिए और फिर आपकी आवश्यकता अनुसार हम और वीडियोज के माध्यम से अगर आप लोग कहेंगे तो हम कुछ चीजों पर और छोटी छोटी चीजों पर बातचीत कर सकेंगे। तब तक आप इसको तैयार करेंगे।